प्रीमेडिक में हम इसका ईच एंड एवरी डॉट का उसका कौन सा लाइन क्या काम कर रहा है इसमें, और जो बीमेट मिल रहा है इसको उसकी ईच एंड एवरी लाइन की सीपीयू से जो जितने भी लाइन मिल रहे हैं सीपीयू से क्लॉक का डाटा का लाइन ओके इसका सभी लाइन्स का एक एक डॉट का जब अपने पास कोई लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल आया उसकी जो अपने पास कोई डाटा नहीं रहता ठीक है या स्क्रीमेटिक नहीं रहता तब आपके पूरा आईसी उठा ये वाला आईसी कोई भी फोन में बैठेगा तो उसकी रीडिंग्स और ये वाला पैटर्न मैच हो जाएगा ओके तो फर्स्ट यहाँ सीरियल क्लॉक का लाइन है सीरियल डाटा का लाइन है डाटा जीरो का लाइन है ओके ये वाला लाइन्स पूरे जितने भी है एक 2.2K का रजिस्टर कनेक्ट होके सीपीयू में जो इनबिल्ट हो रहा है आजकल मार्केट में कर रहे हैं कोई सीपीयू उठा के बोल रहा है सीपीयू से स्पीकर रिंगर और माइक नॉट वर्किंग डन और ये मॉडल्स में कोई ट्रैक अगर कोई टीन उठाने में कर दिया तो इसमें ट्रैक कट गया ये वाला ट्रैक होता है तुम्हारे को इधर से ये वाला ट्रैक इधर से जब टीन करता है इसका एड वाला टीन में से कोई ट्रैक निकाले ट्रैक डैमेज हो गया इसकी फोटोस है मैं आपको सभी ग्रुप में ऑलरेडी इससे पहले अपलोड करा और अभी भी एक बार इसके लिए करूँगा जब अपन ये वाला फूल देखें एक बार तो हम अभी ये सुबह में बनाए पूरा स्क्रीमेटिक निकाल के और स्क्रीमेटिक में एक एक डॉट का वैल्यू जो कूल टेस्टिंग का रीडिंग तो स्क्रीमेटिक में नहीं देता आपको ठीक है अगर ये वाला सीरियल क्लॉक पे आपको 378 की रीडिंग है जब सीपीयू से लाइन होके आ रहा है इसे बैठा हुआ है 2.2K का रजिस्टर अगर ये वाला लाइन में कट हो गया तो आपको ये पता चलता है ये हमारा सीपीयू का लाइन है सीपीयू से कटा हुआ है ठीक है जब सीपीयू से लाइन निकाल सकते हैं आप सीधा इस पे जंपर मार के ये लाइन को ठीक कर सकते या नहीं कर सकते हैं और जो भी है इसको इधर से मिल रहा है वीपैड की कनेक्शन अगर ये लाइन पे आपको वीपैड नहीं मिला या आपकी वीपीएस लाइन नहीं मिला तो हम 4 वोल्ट की सप्लाई किसी दूसरा प्लेस से अपना वीपीएस लाइन किधर किधर जाता है सबको तो पता है उधर से निकाल के हम पीए के पास से निकाल के एक जंपर मार के भी कर सकते हैं काम ये टाइप में जितने भी है इसकी आउटलाइन जो बने हुआ है आउट पर पॉजिटिव नेगेटिव दो भी लाइन एक L6003 पे L6002 पे ये वाले लाइन से हम आउटपुट की लाइन निकालेंगे और जब ऑडियो हम प्ले करते अब यूट्यूब में गाना प्ले करो और इसके ऊपर क्या चेक करना है अपने को वोल्टेज जब इसकी वोल्टेज बनेगा तो ये वाला आईसी आउटपुट स्टार्ट कर दिया ठीक है और इसी का सभी का जब फॉल्ट बड़ा बनता है जब आईसी चेंज करने से काम होता है तो ठीक है जब अपने पास जो काम आता है आईसी चेंज भी करे तो भी काम नहीं बनता है तब जाके हम करना ये काम एक एक डॉट की डिटेल्स हेमेटिक उठाओ चाहे इसका और या काफी बोर्ड उठाओ कूल टेस्टिंग करो प्रॉपर कूल टेस्टिंग ईच एंड एवरी डॉट मैच करो सेम फोन से अगर ये वाला मैचिंग हो गया तो आपका कोई ट्रैक ब्रेक नहीं है ये वाला कोई ट्रैक ब्रेक है अगर तुम्हारे को डाटा जीरो का लाइन कट हो गया सीपीयू से कनेक्टेड है ये वाला लाइन तो हम किधर काम करना है अगर तुम्हारे को ये वाला वोल्टेजेस नहीं मिल रहे इसके ऊपर तो सभी के ऊपर वोल्टेज लिखे हैं अगर कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा तुम्हारे को जो भी वोल्टेजेस इसमें आते हैं इसकी स्क्रीमेटिक में देख लो आप लोग ओके यहाँ वीडीडी कोडाक 3.3 वोल्ट कौन सा लेन पे आ रहा है तुम्हारे को वीबैट ठीक है अगर ये वाला वोल्टेज यहाँ नहीं बना ठीक है और कोडाक 3.3 किस पे आ रहा है ये वाला वोल्टेज L6000 ठीक है आप स्क्रीमेटिक देख के ये वाला कॉइल को तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना सब लोग और ये वीडीडी कोडाक 1.8 की वोल्टेज VDD कोडाक यहाँ भी 1.8 मिल रहा है तुम्हारे को ये ईयर
माइक के लिए 2.7 की वोल्टेज मिल रहा है और माइक के आवाज से तुम्हारे को फिर यहाँ मिल रहा है 2.7 की वोल्टेज, या सभी के जितने भी एसी के रिलेटेड अगल बगल में जो लाइंस निकल रहे हैं उस पे जो वोल्टेजेस दिया हुआ है ये वाला सब वोल्टेजेस चेक करना है। और इस फॉल्ट को सॉल्व करने के लिए कूल टेस्टिंग जीआर मेन इम्पोर्टेंट है। कोई ट्रैक अगर कट गया, अभी एक एक बार क्या होता है तुम्हारे को, ये वाला लाइन पे 300 की रीडिंग आना है, इसमें आ रहा है तुम्हारे की 900, ठीक है, हम समझते हैं ये लाइन ओके, मगर ये लाइन कटिंग होने का स्टेज में, ठीक है, ये लाइन ऑलरेडी कटा हुआ है, इसका कोई रेजिस्टेंस का वैल्यू बता दे रहा सीधा, ठीक है, क्या बताता है, अगर वो लाइन में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये लाइन में, यहां से मैं लाइन काट दिया इसका, सीपीयू से जो लाइन काट दिया, ठीक है, इस रेजिस्टर का 2.2 के रेजिस्टर है, या तुम्हारे को 1500-2000, ठीक है, इतने करीब बता देगा, ये लाइन तो कटा हुआ है ऑलरेडी, मगर जब अपने को प्रॉपर रीडिंग पता चलेगा कोई स्क्रैप बोर्ड में से, या हम डाटा को बना के रखें, ठीक है, अगर हम डाटा एक बार बना के रख लिए, अभी ये है 30 लेक्स का, अभी एक हो गया ग्राफिक के लिए 15 लेक का, अगर हम डॉट टू डॉट पूल टेस्टिंग अगर हम डाटा सेव कर लेके रख लिए एक बार के लिए, ये ऐसी कौन सा भी फोन में बैठेगा, यही वाला रीडिंग्स, यही वाला पॉइंट सब कुछ मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तुम्हारे को तो तब जाके, अगर ये लाइन में नहीं मिल रहा है, इसकी जो लाइन है इसकी रिलेटेड का ही काम करेंगे। ऐसी चेंज करने से काम होता क्या? कितना भी ऐसे चेंज करो होता क्या कुछ? जब तक ये वाला ट्रैक हम प्रॉपर इस इधर से सीपीयू से जो लाइन आ रहा है ये लाइन को ओके नहीं करे तब तक नहीं होता है, ठीक है, यही काम करना है सर, कूल टेस्टिंग करना है और हॉट टेस्टिंग करना है और आउटपुट चेक करना है, इनपुट की लाइन जो भी बन रहे हैं, जो इनपुट की लाइन है सीपीयू से आ रही है इसको, ठीक है, और जो पावर से भी लाइन आ रहा है, और इसकी आउटपुट की लाइन बन रहा है तुम्हारे को इधर कॉइल्स पे, ये वाला तीन चीज अगर प्रॉपर मिल गए तुम्हारे को तो ये वाला सेक्शन प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। और ये वाले मॉडल्स में जो ट्रैक उठाने में कोई टेक्नीशियंस, नॉर्मल टेक्नीशियन हीट लगा के नहीं टीन को काट दे रहे दनादन, अगर ये वाला काट दिए इसके नीचे की सेकंड लेयर में ट्रैक्स पड़ रहे हैं, ये वाला ट्रैक्स को है ना, मैं इसके लिए तुम्हारे को आपकी ग्रुप है, ग्रुप में मैं इमेजेस देता हूँ कहाँ कहाँ से ट्रैक्स डैमेज होते हैं, कौन सा लेयर में से होते हैं, सब उसका डेटा देता हूँ, उसमें आप देख लेना ये ट्रैक्स कहाँ कहाँ जाते हैं, ठीक है, इसकी पूरा सॉल्यूशन व्हाट्सएप में आपको ट्रैक्स का तो इमेज मिल जाएगा जो इसे पहले बनाया हुआ है अपना, ठीक है, ये वाला चीज समझ में आ गया, क्लियर है, इसमें कोई डाउट्स है आपको? कोई भी नहीं, कुछ नहीं, ओके, कर सकते हैं ना तुम जीआर चेक कर सकते हैं ना, सब लोग पॉइंट टू पॉइंट डॉट टू डॉट चेकिंग तो कर सकते हैं, यहाँ जो डाटा मिल रहा है ये तो फोटो ले लो सब लोग, इसकी फोटो लेके A50S मॉडल है ये, A50S मॉडल लिख लो, A50F, ये ऐसी अगर A50 में भी लगा हुआ है तो भी इसका पैटर्न सेम है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, ये वाला अगर तुम्हारे को A50 में लगा हुआ है तो भी उसका रीडिंग रीडिंग सब चीज सेम ही रहेंगे, ये वाला चीज को भूलना नहीं, जो आईसी का फोन बदलेगा मॉडल बदलेगा मगर कभी डाटा शीट नहीं बदलेगा, ठीक है, फोन बदलेगा मॉडल बदलेगा कंपनी भी बदलेगा मगर आईसी की डाटा शीट कभी चेंज नहीं होता, वो ये सिस्टम तो इसमें रहना ही है, ठीक है, ये मेथड से काम करते जाओ, आगे जाके आप भी ये टाइप का पूरा डायग्राम बना के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कोई मॉडल का, ठीक है, और स्क्रीमेटिक देख के ये वाला डाटा बनाना, प्रैक्टिस करो, स्क्रीमेटिक रीड करो अच्छा से, स्क्रीमेटिक देख के एक एक लाइन का कौन सा लाइन है ये मेरा कौन सा लाइन बन रहा है, ये वाला सिस्टम पूरा एक बार आप प्रैक्टिकल करो, ओके, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और हमारे वीडियोस जरूर शेयर करें, थैंक यू वेरी मच।